आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय ज्योतिष के अंदर वो है दशा फलित। आप लोगों ने भारतीय ज्योतिष के अंदर दशाओं को अभी रीड किया था कुछ समय पहले पुराने चैप्टरों में कि जो व्यक्ति को विंशोत्तरी दशाएं मिलती हैं वो 120 वर्ष की टोटल होती है और उन 120 वर्षों के हिसाब से व्यक्ति की जो दशा का टाइम स्लॉट होता है हर दशा अलग अलग टाइम स्लॉट्स के लिए बनी है। तो आज हम बहुत बारीक विश्लेषण दशा फलित पर करने वाले हैं कि व्यक्ति को जो दशा मिलती है उस दशा के अनुसार व्यक्ति को क्या क्या जीवन में करना चाहिए और जो दशा उसको मिली है वो दशा किस चीज की कारक बनी है ये हम आज दशा फलित के चैप्टर में अलग अलग पॉइंटों से जानेंगे कि दशा फलित किस लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट है इसमें दशा फलित के अंदर पहला पॉइंट है आप सब लोगों को ये विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दशा हमेशा चंद्रमा से ही क्यों देखी जाती है। भाई व्यक्ति का जन्म जो हुआ है जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं उसको कौन सी दशा मिलेगी। तो आप सब लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस नक्षत्र स्वामी की दशा को हम बता देते हैं कि ये दशा आपको मिलेगी। तो आप ये बताइए हम चंद्रमा के नक्षत्र को ही क्यों देखते हैं शनि के नक्षत्र को क्यों नहीं देख लेते राहु के को क्यों नहीं देख लेते। तो ऐसा रीजन क्या है कि केवल चंद्रमा को ही देखा जाता है। इस बारीकी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे आना पड़ेगा क्योंकि महर्षि पारसर जी ने जब भी व्यक्ति को दशा ज्ञान की बात कही है तो वह चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। अर्थात व्यक्ति की लाइफ में जब चंद्रमा की ध्यान रखना जो वर्ड बोलने वाला हूं चंद्रमा की दशा अर्थात हर प्लेनेट के अंदर एक दूसरे प्लेनेट का रोल घुसा हुआ होता है। कैसे देखिए समझिए इस बात को। मान लीजिए इस व्यक्ति को इस समय केतु की महादशा चल रही है। आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड पे एक एग्जाम्पल मैंने अभी लगाया है तो आप यहां देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को केतु की महादशा चल रही है। अब ये केतु की महादशा अर्थात केतु की महादशा है एमडी दशा है और जो प्लेनेट की बाकी जो प्लेनेट है वो इस केतु के अनुसार ही काम करेंगे। जैसा केतु बोलेगा उसके अनुसार ही बाकी प्लेनेटों को काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है अब मैं डिटेल में जाऊंगा आपको वन बाय वन लेकर। तो यहां जो इन सारी दशाओं का राजा माना गया है सभी नौ की नौ प्लेनेट की दशाओं का राजा अर्थात जो इनके ऊपर एक प्रकार से इनके कारक तत्वों को बाहर निकालने के लिए हमें चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है।
अर्थात हर प्लेनेट का एक अपना कारक तत्व है, वो उस कारक तत्व को पूर्ण रूप से फलीभूत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके लिए हर प्लेनेट, जैसे मून किस नक्षत्र पर बैठा है, मान लीजिए जुपिटर पर बैठा है, तो इस व्यक्ति को गुरु की महादशा मिलेगी। तो जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जो नक्षत्र लॉर्ड बनता है, उस प्लेनेट के कारक तत्व हमें महादशा में रिजल्ट देते हैं। तो सिंपल पहली वर्ड लाइन का मीनिंग ये है कि आपको ये ध्यान रखना है दशा का मतलब क्या है। दशा का मतलब है एक्शन ऑफ डिलीवरी, अर्थात कुंडली में किसी कार्य की डिलीवरी कब होती है, जब दशा आती है। पहला पॉइंट नोट कर लें इसको। जीवन में जब जब जिस जिस प्लेनेट की दशा आएगी, उस दशा का मतलब ही होता है एक्शन ऑफ डिलीवरी, अर्थात वो दशा आपके जीवन में कुछ कार्यों के लिए प्रगाढ़ता से, अर्थात जिनकी वो सिग्निफिकेटर बनी होगी। जैसे इस कुंडली पर हम बात करते हैं एग्जांपल समझने के लिए, आप देखिए, जैसे हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की महादशा है, इस व्यक्ति का लग्न का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा बैठा कहां है, छठे भाव में। तो चंद्रमा की दशा अर्थात चंद्रमा जो है इस कुंडली में किन किन चीजों को लेकर चल रहा है, पहले भाव को और छठे भाव को लेकर चल रहा है, अर्थात चंद्रमा की दशा इस बात की कारक है जब भी आएगी वो सेल्फ के और सिक्स हाउस के रिजल्ट प्रगाढ़ता से मजबूती से देगी। अब उसमें बहुत सारे नियम जुड़ जाएंगे। पॉइंट नंबर दो क्या कहता है कि व्यक्ति के जीवन में आप बड़े ध्यान से समझना कि हमारी कितनी प्रकार की दशाएं टोटल अलग अलग प्रकार से आती हैं जीवन में। एक एमडी दशा होती है महादशा, एक अंतरदशा होती है, एक महादशा होती है एमडी, महादशा को बोल दिया एमडी महादशा, एक होती है महादशा के बाद अंतर एडी महादशा, अंतरदशा और पीडी प्रत्यंतरदशा। ये तीन दशाएं व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखते हुए स्टडी करना चाहिए। ये स्टडी आपके पॉइंट होंगे हमेशा, इन तीनों पॉइंटों को हमने नोट करना है। तो अब आपको मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं, आप देखिए, जीवन में बड़े ध्यान से समझना। मान लो किसी व्यक्ति को बुध की महादशा चल रही है, केवल आपको मेरी बात पर बहुत फोकस करना है और सुनना है मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी चीजें, क्योंकि ये टॉपिक जो है समझने का है, लिखने का नहीं है, नोट्स आप बाद में बनाना। किसी भी व्यक्ति को जब जीवन में मरकरी की महादशा आती है तो कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है कौन कहां पड़ा है, मरकरी किस चीज का कारक है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया मैंने। मरकरी किस चीज का कारक है, कनेक्टिविटी का, आपस में जुड़ाव का, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स का, कैलकुलेशन का। व्यक्ति बहुत ज्यादा हर प्रकार से अपनी बुध की महादशा में हर चीज को क्या करता है, बार बार कैलकुलेट करता है, अधिक से अधिक मित्रों से मिलता है, अपनी चीज को सेल करने के लिए हजारों व्यक्तियों से कैलकुलेशन में आता है। मरकरी मायने सीधा सीधा सा बुध, बुध मायने कम्युनिकेशन, बुध मायने कम्युनिकेशन स्किल्स, जुड़ाव की स्किल्स, मित्रों से मिलना, मित्रों को बढ़ाना, आस पड़ोस दुनिया भर से लिंक बनाता रहता है। तो जब भी अब आप देखिए, बुध की महादशा अगर किसी व्यक्ति की है तो आपने कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कारक तत्व का परिणाम वो अवश्य देगी। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों से वो कम्युनिकेट करेगा, अपनी चीजों को शेयर करेगा। तो बुध की दशा कैसी होती है,
अधिक से अधिक लोगों को जुड़ा। अब आप देखना बड़े ध्यान से, मैं पारसर ऋषि की उसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों ये दशा का ऑर्डर सेट किया है, किस लिए। बहुत बहुत ज्यादा इस बात को अगर मैं अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे तो आप देखोगे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत दिमाग ध्यान लगाकर इन चीजों को सेट किया है। यह व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों से मिल रहा है, ठीक। जैसे ही बुध की दशा खत्म होती है, बुध के बाद क्या आता है, केतु। केतु किस चीज का कारक है, अकेलेपन का, ज्ञान का, एकांकी, आराधना, साधना, मोक्ष। जैसे ही बुध की दशा आती है जहां व्यक्ति अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में मिलना पसंद कर रहा था, आना जाना पसंद कर रहा था, सर्कल को बढ़ा रहा था, एकदम अचानक से उसे सब क्या लग लगता है जीवन में, सब बेकार है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे दोस्तों के साथ नहीं रहना, मेरा मन अकेलेपन का है, मैं अकेला रहना चाहता हूं। ज्ञान की बात, अध्यात्म की बात, कुछ ऐसा जीवन से हटकर अलग करना है, ये सब बेकार है, सब लोग इस तरह के ही कामों में लगे हुए हैं, मुझे कुछ अलग करना है। केतु की दशा हो तो आपने केवल इतना सा पॉइंट बोल देना है कि आप कुछ अलग सोच रहे हो हटके, अकेलापन आपको पसंद है, शिक्षा से संबंधित चीजों से अलग हटकर काम कर रहे हो, ज्ञान की बात करोगे, ध्यान की बात करोगे, वहां भीड़ की बात नहीं करोगे, आप भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, यहां अकेला पर, यहां भीड़ अच्छी लगती है, यहां पर भीड़ अच्छी लगती है, हमारे चारों तरफ लोग हो, मित्र हो, हम बातें कह रहे हो, वो हंस रहे हो, हम पार्टियों में जाना अच्छा, कनेक्टिविटी, यहां एकदम से अकेलापन, एकदम से अकेलापन है। तो दशा आते ही व्यक्ति के नेचर को बदल देती है। परंतु मेरा क्वेश्चन यहां ये नहीं है, दो प्रकार के नेचर होते हैं, एक होता है व्यक्ति का बाय बर्थ, जिसको हम लोगों ने जन्म दे रखा, जिस चीज को हमने लोग नाम दे रखा है कि भाई इसका तो जन्म से ही क्या है, फितरत कैसी है, अर्थात फितरत कभी नहीं बदलती है, और जो किस्मत है या थोड़ी देर के लिए आपका नेचर बदला 19-20, फितरत, फितरत और किस्मत दो वर्ड अलग अलग है, फितरत कभी नहीं बदलेगी, जो चार्ट ने दे दी वो हो जाए, थोड़ी देर के लिए जैसे जैसे दशा आएंगी, थोड़ी देर के लिए 19-20 के लिए किस्मत बदल जाती है, नेचर ऑफ एक्शन बदलने लगता है, तो इतना हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है बस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जो हमारी अब बात चल रही है वो चल रही है कि व्यक्ति के जीवन में जैसे ही दशाओं का क्रम बदलता है वैसे ही व्यक्ति की सोच थिंकिंग भी बदलती है। केतु के बाद आ जाती है एकदम से शुक्र की दशा। अब किसी कुंडली में आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने शुक्र की महादशा देखी, अंतरदशा देखी, तो आप तुरंत बोल दो व्यक्ति आजकल कुछ शौकीन हो रहा है, कुछ नई चीजों में इंट्रेक्शन बढ़ रहा है, भौतिकवाद की चीजों में सुख ढूंढ रहा है, ऐसो आराम, भोग विलास, शौक, आज मैंने ये शॉपिंग करी, आज मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। आपने कोई कुछ नहीं देखना कुंडली के अंदर, केवल कहीं भी महादशा लेवल पर, अंतरदशा लेवल पर, प्रत्यंतर लेवल पर कहीं भी शुक्र मिल जाता है तो अभी इनके मैं वो भी बताऊंगा आगे चल के, पर आपको यहां किसी भी लेवल पर अगर शुक्र मिल रहा है अंतरा और प्रत्यंतरा में बिल्कुल, तो आप कह दो आज आपकल बहुत ज्यादा शौकीन हो रहे हैं, भौतिक बात की चीजों में है, आपकी हर चीज नई नई डिमांडिंग है। शुक्र का मतलब देखो, जहां उसे एकदम से अकेलापन पसंद था अब वो मनोरंजन ढूंढ रहा है इस भौतिकवाद में, मतलब दिमाग भगवान में लगा लिया, अकेलापन ढूंढ लिया, जब कुछ नहीं मिला तो दोबारा से उसे संसार में ढकेल दिया जाता है, फिर दोबारा से 20 साल के लिए मनोरंजन, ऐसो आराम, गाड़ी, लग्जरी, वाइफ, घोड़ा, बच्चे, ये सब अच्छे लगने लगते, फिर दोबारा से वो इस चक्कर में फंस जाता है। और जैसे ही शुक्र के बाद सूर्य की दशा आती है तो
तो उसे लगने लगता है यार मैं कुछ मजबूत हो गया हूं, मैंने कुछ कमा धमा लिया है, शौक पाल लिए हैं, ये सब इकट्ठा कर लिया। तो उसके अंदर ना एक पिता तत्व की, सूर्य का कारक तत्व क्या है, पिता के समान, तो पिता तत्व की भावना है। उसे लगता है कि मैं इसको भी संभालूं, बच्चों को भी संभालूं, वाइफ को भी संभालूं, यार इनके लिए कुछ करना है। एक क्या है, एक दायरा बढ़ जाता है। जब भी किसी सूर्य की दशा आती है किसी व्यक्ति की अंतरदशा प्रदर्शन, तो वो सोचता है कि मैं इसके लिए ये कर दूं, उसके लिए ये कर दूं, और एक आदेशात्मक रोल में आ जाता है वो। उसे लगता है नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, आई थिंक आप गलत हो, आपको ऐसे करना चाहिए था, आप ऐसे हो सकता था। तो यहां आकर वो आदेशात्मक रोल में आ जाता है, और जैसे ही जीवन में चंद्रमा की दशा आती है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं बड़े ध्यान से, मातृत्व की पावर बढ़ जाती है। मातृत्व का मतलब ये नहीं है उसे बच्चा होने लगेगा, मातृत्व का मतलब है कि यहां वो पिता के रोल में था, यहां मां के रोल में आ जाएगा। और मां कभी भी आदेशात्मक नहीं होती है, वो दुलार में होती है, प्रेम में होती है, हर चीज में वो सहयोग भावनाएं, आपको आगे कैसे बढ़ाना है, एक प्रोटेक्शन। मां का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए और सुरक्षात्मक तरीके से कैसे आपको आगे बढ़ाया जाए, ये सुरक्षात्मक। तो इसलिए हर प्लेनेट सुरक्षा चाहता है, हर प्लेनेट, तो हर प्लेनेट चंद्रमा के थ्रू ही सुरक्षा मिलती है। इसलिए कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में सुरक्षात्मक तरीके से जाने के लिए हर प्लेनेट को चंद्रमा से गुजरना पड़ता है। इसलिए लिखा है चंद्रमा के अनुसार दशाओं का निर्माण होता है, अर्थात हर प्लेनेट को चंद्रमा का सहयोग लेना पड़ेगा, बिना उसके निर्माण के, बिना उसके नक्षत्र लॉर्ड के आपको दशा भी नहीं मिलेगी। तो मां के बिना आपकी उत्पत्ति नहीं होगी, मां के बिना आप सहयोग इस संसार में नहीं आ सकते। तो मां मायने चंद्रमा, और चंद्रमा के सहयोग के बिना आपकी सारी दशाएं खराब हैं। इसलिए किसी कुंडली में यदि चंद्रमा, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, अगर अभी वर्ण लगे तो पीड़ित है, खराब है, या किसी भी प्रकार से चंद्रमा आपको परेशानी दे रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी समस्या है अकेले चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक, मां का कारक, स्वभाव का कारक, नेचर का कारक, हमारी थिंकिंग का कारक, हमारे सोचने का कारक, हमारे रहन सहन का कारक, ये सब गड़बड़ाहट में आ जाते हैं। इसलिए चंद्रमा जब जब जीवन में आता है, जब जब चंद्रमा की कुंडली हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, तब तब हमें मनोवैज्ञानिक सारे रोग, मनोवैज्ञानिक विकार, ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में ये दशाएं ना एक इस प्रकार से रोल अपने आप निभा रही हैं कि तुम कुछ नहीं हो। जब जब दशाएं बदलती है वो डुगडुगिया बजने लगती है, कुछ नहीं करता है आदमी, दशा आती है अपने आप अपनी तरंगों से खींच लेती है उसे, और वो गेम खेलने लगता है, सोचता है मैं कर रहा हूं सब कुछ। तो आप अपनी कुंडली उठाकर किसी भी कुंडली को देख ले, आपकी कौन सी दशा चल रही है, महादशा की बात कर रहा हूं अभी, फिर इनको अंतर दशाओं पे भी ले जाना, तो आप देख सकते हैं आपके जीवन में जब जब मंगल की महादशा आती है, तो आप अभी आदेशात्मक में, सॉरी मातृत्व में थे, चंद्रमा में थे, चंद्रमा के बाद आता है मंगल। व्यक्ति जब इन सब चीजों से, माहौल से, दुलार से, प्यार से बड़ा होने लगता है, तो उसके अंदर अपने आप ही अहंकार की भावना आने लगती है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है मंगल में, अहंकार, ईगो, गुस्सा, प्रोटेक्शन, लड़ाई झगड़ा, अपने लिए सेल्फ डिफेंस करना, ये सब मंगल में स्टार्ट हो जाता है। जब मंगल की दशा किसी व्यक्ति को हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलो, व्यक्ति इस समय आर्ग्यूमेंटल फेस में है, किसी की नहीं मानेगा, अपनी करेगा, अपने क्षमताओं के अनुसार वो विकसितता चाहता है, उसकी जितनी क्षमताएं हैं उस क्षमताओं के अनुसार वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में दशाओं का इतना बड़ा रोल है कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आया कुंडली में, कुछ भी हो रहा हो,
कोई भी निर्माण हो रहा हो केवल दशा देख लो। अभी तो केवल शुरुआत है कि मैंने आपको बताया कि आपने केवल दशा देखनी किस चीज की चल रही है, ठीक। आप वही चार सेंटेंस आप उसको बोलोगे वही निकलेंगे। तो आपको यहां प्लेनेट के कारक तत्वों को बहुत मजबूती से समझना होगा कि ग्रह के कारक तत्व। अगर ये आपको मजबूती से समझ में आते हैं तो आप इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां हम अगर राहु की बात ले लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जब जब राहु की दशा आती है तो थोड़ा सा राहु और केतु के केस में जब हम इनका वर्णन करेंगे तो इनके राशि स्वामियों को भी थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं। परंतु अगर जनरली हम राहु की बात करते हैं तो राहु का जो नेचर है वो मैलेफिक नेचर है। तो नेचर में कहीं ना कहीं छल कपट मैलेफिकता क्रूरता, जैसे हर व्यक्ति जन्म से क्रूर नहीं होता है, जब जब उसकी राहु की मंगल की दशा आएगी तब तब व्यक्ति के स्वभाव में क्रूरता में वृद्धि होती है। जब जब व्यक्ति की चंद्रमा गुरु और बुध की दशा चलती है तो वही व्यक्ति जो ऊपर क्रूर है वही व्यक्ति सौम्य हो जाता है। आप देखो कि ये बच्चा तो पहले बिल्कुल मक्खी भी नहीं मारता था, चींटी भी नहीं मारता है, और अब ये मुर्गे का मांस खा रहा है, बकरा काट के खा रहा है। तो ये क्रूरता कहां से आई? अधिकांश आप चीजों में देखोगे मंगल और राहु क्रूरता के कारक है, आप देखोगे चंद्रमा गुरु सौम्यता के कारक है। तो जब जब व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में क्रूरता का निर्माण होने लगता है। उसे छल कपट में कोई अंतर नजर नहीं आता है, उसे जो करना होता है छल से बल से वो करेगा। राहु का मतलब है हर प्रकार से प्राप्त करना, जिद्दी होना। दूसरा राहु क्या कहता है, राहु एक ऐसी समस्या है अभी के लिए जैसे भ्रम पैदा करना। व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक द्वंद की स्थिति बनी रहती है, करूं ना करूं असमंजस, पूर्णतः वो अपने परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है जब जब राहु की दशा चलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है अगर हम उनके कारक तत्वों को, जिस चीज के वो कारक है, यदि उसको अपने कर्मा में इन्वॉल्व कर लें, कर्मा में इन्वॉल्व कर लें, अर्थात जैसे राहु का कारक तत्व है छाया, आप राहु की दशा है, आपने डिजिटल मोड में पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को यूट्यूब फेसबुक डिजिटल फॉर्म में आप ले आए। राहु मीडिया का कारक है, जितना भी ये टेलीविजन है कंप्यूटर्स हैं इन सब का कारक है। यदि आप इनके थ्रू अपना प्रचार कर रहे हो तो आपको उठाएगा भी, ये ऊपर भी लेके जाएगा, आपको प्रसिद्धि भी कराएगा। तो यहां सीधा सीधा सा वर्ड है, यदि हमने प्लेनेट के कारक तत्व को इन्वॉल्व कर लिया अपने कर्मा में तो आपको डेफिनेटली उठा भी देगा। तो यहां से एक सूत्र निकल कर आता है कि व्यक्ति की जो दशा चल रही हो, व्यक्ति उन कारक तत्वों को अपने कर्मा में इन्वॉल्व कर ले, अपने कर्मा में यदि हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं तो व्यक्ति का यही सबसे बड़ा उपाय होता है, तुरंत उसको इसी प्रकार की रेमेडीज देकर आप आगे बढ़ा सकते हो। अब तक हम ग्रहों के कारक तत्वों की बात कर रहे थे, इन कारक तत्वों में अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं कि आपके जीवन में यदि किसी व्यक्ति की महादशा के बाद आती है अंतरदशा, अंतरदशा हमें कुछ सालों के लिए परिणाम देती है, एक साल डेढ़ साल दो साल के लिए, और जो प्रत्यंतर दशा होती है वो व्यक्ति के करंट की, अर्थात अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बताती है। तो व्यक्ति जब भी आपके पास आता है, तो हमें उसकी पीढ़ी अवश्य, प्रत्यंतर दशा अवश्य देख लेनी चाहिए।
क्योंकि अंतरदशा तो हमें सालों की इंफॉर्मेशन दे रही है, परंतु वर्तमान में उसकी सिचुएशन के बारे में अगर जानना हो तो हमें अंतरपीढ़ी दशा को भी प्रत्यंतर दशा को भी नोट कर लेना चाहिए। अब यहां एक सूत्र है, उस सूत्र को बड़े ध्यान से समझना। वो सूत्र क्या कहता है? यदि अंतरदशा किसी काम की, किसी कार्य की सूचक नहीं है, यदि एडी दशा किसी कार्य की सूचक नहीं है, तो प्रत्यंतर दशा उस कार्य को कभी भी नहीं करवा सकती है। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे इस समय इस व्यक्ति को केतु में चंद्रमा की दशा चल रही है, इस समय इस व्यक्ति को केतु में चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा इनका लग्न का लॉर्ड होकर छठे भाव में बैठा है, अर्थात ये अपने साथ जो लेकर चल रही है ये दशा, वो क्या लेकर चल रही है? पहले भाव के रिजल्ट और छठे भाव के रिजल्टों को लेकर चल रही है। अब यदि इस दशा में व्यक्ति मुझसे कहता है कि भाई इस व्यक्ति की मैरिज होगी या नहीं होगी, विवाह से संबंधित क्वेश्चन है या नहीं है, तो आपने देखना है कि अंतर एडी दशा क्या कारक कार्य के कारक की सूचक है या नहीं, ये बड़ा ध्यान से रखना है। यदि वो प्लेनेट उस कार्य की सूचक नहीं है तो वो डेफिनेटली उस कार्य को प्रत्यंतर दशा नहीं कर सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपको मैं यहां तक भी हिंट दे रहा हूं, कई बार महादशा से ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होती है? अंतरदशा। महादशा बहुत लंबे समय के लिए किसी चीज में आ रही होती है, परंतु अंतरदशा लॉर्ड यदि कार्य का कार्य की सूचक है तो डेफिनेटली आपका पीडी उस कार्य को करा देगा, और यदि एडी सूचक नहीं है तो पीडी कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा अपने जीवन में दशाओं की सीक्वेंस बनाकर आप बड़े आसानी से, व्यक्ति आपके सामने आया जो उसकी अंतरदशा चल रही है वो क्या कहना चाहती है वो आपने रिजल्ट एक्सप्लेन करने हैं, और व्यक्ति का जो ओवरऑल एनवायरमेंट होगा वो महादशा के अनुसार ही वो उतने समय के लिए अपने हिसाब से उसे खिला रही होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बहुत से लोग आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि जी हमारी कौन सी दशा कष्ट में जाएगी। इसके लिए मैं आपको सूत्र ही दे दूंगा, और पर भारतीय ज्योतिष में एक सूत्र है उसको आप नोट कर लें। वो सूत्र क्या कहता है? वो सूत्र कहता है